आज शहीद शहीदों को सलाम करने का दिन है। आज का दिन शहीदों को याद करने का दिन है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। महात्मा गांधी जी आगे बढ़े, उनके साथ वतन से मोहब्बत रखने वाले, वतन पर कुर्बान हुए, हम उन सबको सलाम करते हैं। अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई तिरंगे को सलाम न करे वो देशद्रोही कहलाएगा। और जिन्होंने दीन इस्लाम शरीयत कुरान इन सबको बचाया, जो उनको सलाम न करे वो इस्लाम द्रोही कहलाता है। आज मैं मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम दी है, हम अपने वतन से मोहब्बत करें। और ये मोहब्बत की अलामत है कि चाहे मौसम किसी तरह की करवट लेंगे, हम अपने तिरंगे को जिसके साय में हमारा वतन आजाद हुआ हम उसको सलाम करते हैं और करते रहेंगे। और शहीदों की याद मनाते आए हैं और शहीदों की याद मनाते रहेंगे। आइए आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारी रिवायत की है और होता भी यही है और होना भी यही चाहिए, तिलावत कुरान मजीद से आज के इस प्रोग्राम के आगाज के लिए आवाज देने जा रहा हूं अज़ीज़ुल क़द्र अली रज़ा जाफ़री सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज हो। you
तीन तलावा हैं और वो राष्ट्रीय गान के लिए मैं उनको पुकारने जा रहा हूँ, लेकिन ये कहना जरूरी है कि हम शहीदों की याद, वतन की मोहब्बत, ये सारी चीजें हमारे खून में रची बसी। हम चूंकि मिट्टी से जुड़े हैं तो हम शहीदों को याद कर रहे हैं और तमाम तर कुर्बानी देने वालों को याद कर रहे हैं। और जब तलबा अभी यहां तशरीफ लाएंगे और राष्ट्रीय गान पढ़ेंगे, ये इस बात की वजाहत होगी कि इदारे तंजीम मकातिब उर्दू जबान के साथ साथ हिंदी जबान को भी ऐसे लेकर चलता है जैसा कि सगी दो बहनें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। हमारे यहाँ यानी इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हिसाब हो, जितने तरह की वो तालीमात के जिससे हर इंसान को करीब हो जाना चाहिए, सबका एहतमाम है। और एहतमाम के साथ साथ ये खास बात है, इंसानियत का भी एहतराम और इंसानियत के साथ साथ ये सिखाया जाता है कि छोटा बड़े का एहतराम करे, बड़ा छोटे का करे। और चूंकि परचम की सलामी भी है और सबसे खास बात यह है कि बीमारी नहीं कह रहा हूं, कई तरह की बीमारियों के बावजूद इस इदारे के सरबराह मोहतरम सिकंदर साहब, हुज्जत उस्मानी अल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना क़िबला सैयद सफी हज़रत साहब अल्लाह तआला ने अता फरमाए, तशरीफ लाए हैं। और ये आना वतन की मोहब्बत ही की अलामत है। और ये कहूंगा मैं कि तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम। जनाब यकीन नवानी बरेली के ये अशआर वो कहते हैं कि तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस जबान को भी सलाम। नबी ने चूमे कदम और आसमान में भी, नबी ने चूमे कदम और आसमान में भी, इसीलिए मेरे हिंदुस्तान को भी सलाम। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान वो जगह है, हिंदुस्तान वो मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा वो वतन है कि जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मजहब, हर जात पात के लोग रहा करते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मोहब्बत के साथ रहते हैं। कि नबी ने उनके नवासे ने इसको याद किया, नबी ने उनके नवासे ने इसको याद किया, इसीलिए मेरे हिंदुस्तान को भी सलाम। आइए राष्ट्रीय गान के लिए इसी इदारे तंजीम मकातिब के तीन स्टूडेंट, तीन तलबा अजमेर कद अली बहादुर सलाम हो, अली मोहम्मद जैनपुरी, मोहम्मद फहीम सलाम हो, से कहूंगा वो तशरीफ ले आए। वो अभी आमादा रहे और इसी इदारे के सरबराह हुज्जत उस्मानी मुस्लिमीन हम सब के सैयद सरदार आले जनाब मौलाना क़िबला सैयद सफी हज़रत साहब के दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की रस्म अदा की जा रही है। परचम कुशाई फरमाएंगे इदारे तंजीम मकातिब के सेक्रेटरी आले जनाब मौलाना क़िबला सैयद सफी हज़रत साहब, परचम कुशाई की रस्म अदा की जा रही है। हम अपने तिरंगे को सलाम करते हैं।
वतन है
47. And friend, you know that Herbert
after that. But I want to explain little bit. Our first Prime Minister of India, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru ji, advised Mahatma Gandhi ji. So he said, Gandhi ji, you know that as people of different religion live in our country, we should make a secure government, i.e. democracy. Friend, as you know well that what's democracy? Democracy is the government of people, for the people, by the people. Of the people, for the people, by the people. And friend, as you know that Mr. Bhimrao Ambedkar ji was interested our constitution, our prepared constitution, and our constitution was prepared 2 years, 7 months, and 18 days. 2 years, 7 months, 18 days. And 2 years, 7 months, and 18 days. And came into effect on 26 January 1950. That's today. 1950. That's today. In this government, every citizen of caste and creed have fundamental rights. He can enjoy sorts of freedom and adopt any religion, build their worship places, i.e. temple, mosque, gurudwara, church, etc. Now, it's our moral duty and our religious duty abide by the law of our country and protect it all our might, hand over it to our generation. That's all I want to say in the end. Please don't spoil our country and any mischief, illegal activities, and any violence. In the end, thank you so much everybody for listening. Jai Hind, Jai Bharat. Shabash, 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 shabash. मैंने इस तारीख को भुगतने से पहले मेरे संतोषी को जानने से पहले इसी जानवानिया निर्माताओं के अपने स्वसार के बारे मैंने कहा था, इसीलिए कहा था, बगैर मकसद के नहीं पुकारा था और यहाँ नहीं देखा सका था, वो इंकसारी कहिए, मोहब्बत कहिए, खुश कहिए, तकरीर के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि दोनों बुजुर्ग आज यहाँ तकरीर करने के लिए आमादा हैं, ताकि वो जहनी तौर पर आमादा हो जाए। आइए अब मैं बस अदब और एहतराम गुजारिश गुजार हूँ, चाहे मान लिया अपने मुकाबले के प्रिंसिपल मुझे क्रिश्चियन और मुस्लिम आई नमन अल्लाह सी गुना होसन जी साहब की बारगाह में तशरीफ लाए, लेकिन चार मिसरे खिदमत आलिया में पेश करता चलूं कि पढ़ के नाकू बरात दुनिया में लोग अच्छे अजीब होते हैं, तेरे खुदों का मैज है जैनब आज हम ये खकीम होते हैं। तमाम देशवासियों की खिदमत में यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हैं। यौम जमहूरिया आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, यानी आज का वो दिन है जिस दिन अपने मुल्क में अपने लोगों पे अपना बनाया हुआ कानून लागू हुआ। वैसे तो हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन अपना कानून 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जबकि हमारा मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तकरीबन 14 दिन बाद एक 7 रुकनी कमेटी बनती है। 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनती है जिसने पुरानी बहस के बाद उस कानून के मसौदे पे बहस व मुबाहसा किया और उसे एक कानून सार असेंबली के सामने पेश किया। उसको 26 नवंबर 1949 में इस कानून को कमेटी कानून सार असेंबली ने कबूल कर लिया।
जिसकी वजह से 26 नवंबर को यौम आईन मनाया जाता है। यौम आईन अलग है, यौम जमहूरिया अलग है। 26 नवंबर 1949 को यौम आईन के तौर पर मनाया जाता है, तो उसके बाद ये 24 जनवरी 1950 को उस कानून पे दस्तखत हो गए और नतीजे में 26 जनवरी 1950 को ये मुल्क, इस मुल्क में पहला यौम जमहूरिया मनाया गया। तब से आज 74वां जो यौम जमहूरिया आज हम मना रहे हैं, यानी हमारा मुल्क तकरीबन आप देखें 74 साल गोया हो रहे हैं इसको यौम जमहूरिया मनाते हुए। तो जमहूरी मुल्क होने का मतलब क्या होता आप जानते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर इस मुल्क को अगर आप दुनिया में देखें, आलमी माशरे में देखें, आलमी लिहाज से देखें, तो हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर जमहूरी एतबार से देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, इससे बड़ा कोई जमहूरी मुल्क नहीं है। और यही जमहूरियत इसकी शान है, क्यों? इसलिए कि जमहूरी एतबार से यहाँ लोगों का इंतखाब होता है और लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के ऊपर होती है, अपने कानून है। उससे पहले यानी जो अरसा था उसमें हिंदुस्तान एक्ट जो 1935 में बना था वो लागू था, यानी आजादी के बाद। यूं नहीं कि आजादी का मतलब कभी ये नहीं होता है कि इंसान आजाद हो, यानी कानून के दायरे से आजाद हो, नहीं, आजादी हमेशा कानून के दायरे में मिलती है। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त भी वो कानून जो अंग्रेजों के दौर का था, यानी हिंदुस्तान एक्ट 1935 के नाम से पहचाना जाता था, वो लागू रहा। लेकिन इस दिन 1950 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में अपने लोगों का बनाया हुआ कानून नाफिज हो गया और लागू हो गया, और उसके बाद ये सिलसिला और इसी के दायरे में तरक्की कर रहा है। देखिए कि कानून ने हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले रहते हैं और मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले रहते हैं। इस कानून ने हर इंसान को मुकम्मल आजादी दी इस कानून के दायरे में, मुकम्मल आजादी है कानून के दायरे में कोई, और यही इसका इम्तियाज है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब पाई जाती है, जो एक भाईचारा और एक दूसरे के साथ मिल और मिलाप के साथ जिंदगी गुजारने को सिखाती है, एक दूसरों के हकूक को की हिफाजत की दावत देती है। आप देखें हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत चीजें पाई जाती है, बहुत अच्छाइयां है, उसकी वजह यही है क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है और इसकी जमहूरी शान है। इसलिए हम अपने मुल्क को सलाम करते हैं, जय हिंद जय भारत। सैयद सैयद हुसैन साहब की बारगाह में और अपने बयान से
सिलसिला जी के बयान को आगे यहाँ का हर ब्राह्मण
सुबह और आशी का पैगाम देता है। यहाँ पर इख्तलाफ और फसाद नहीं है, ये आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले ये आवाज यहाँ से हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की फिजा में जो सुबह और आज की इंसानियत है उसका पैगाम दिया गया है। लिहाजा हम अपने मुल्क की सालमियत और अपने मुल्क में इंसानियत की हुकूमत की दुआ करते हैं, उस बात की दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा तमाम दुश्मनों से महफूज रहे और हमेशा यहाँ के तमाम इंसान इस बस्ती पर, इसके आगोश में बसने वाले किसी भी मजहब के हो, सुलह और आमन आशी से बाकी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिगरेट नहीं खिला रहे, तंजीम मंगाती
ऐसी सरजमीन पर जिंदगी बसर करने का मौका मिलना जहाँ इस्तेदार और जुल्म की हुकूमत ना हो बल्कि जमहूरियत हो, यानी अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के। अभी बहुत बुनियादी बातें आवाजात ने सुनी है, मैं तो बैठा था देर से खड़े हैं और हमारा दीन और हमारा धर्म हमको अपनी रोजाना की आदतों में भी जैसे नमाज है अगर हम आगे खड़े हों नमाज पढ़ने के लिए तो हमें सिखाता है कि सबसे कमजोर लगता है छोटे बच्चे भी हैं खातन भी हैं लेकिन आप में फिलहाल सबसे कमजोर से खुदी हूँ ज्यादा अपना ख्याल मुझे तो रखना पड़ेगा मैं दोनों देश में लोगों की बात नहीं कर सकता। एक जुमला मशहूर है कि
حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ جس پر بھی بحث یہ ہے کہ آیا یہ حدیث ہے کہ نہیں, لیکن اسی بحث میں یہ بحث بھی سامنے آئی اگر یہ حدیث نہ بھی ہو تو ہمارے پاس مجھے معلوم ہے یہ ٹیلی کاسٹ ہوگا اور ہم کرائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے برادران وطن جو دوسرے دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اسلام کے علاوہ ان تک ہماری آواز یہ پہنچے, وہ سنیں, انہیں بد فہمیوں کا شکار کیا گیا ہے بہت زیادہ اور یہ کام باہر کے دشمن کر رہا ہے, جو لڑاؤ اور حکومت کرو کے قانون کا ہمارے اوپر بہت حکومتیں کر چکا ہے. میرے عزیزو اسلام میں قرآن کے بعد حضور سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے جو کہا ہے وہ قانون ہے اور قرآن میں کے بیان مطابق جو وہ کرتے تھے وہ بھی قانون کی روشنی میں ہوتا چلا تھا, وہ بھی قانون بنتا ہے. روایات کثرت سے ہیں کہ جب مکے کے ظلم مکہ وطن تھا حضور کا پیدا ہوئے تھے پلے بڑے تھے, جب وہاں سے مدینے مجبوروں کے ظلم نے پہنچایا جیسے اسی ظلم نے ہمیں یہاں پہنچایا, جو بھی مولانا سید حسین صاحب نے جس نے بہت اچھی بات کہی, تو آپ خود پیغمبر بھی ظلم کا شکار ہو کے بڑوں کا ظلم خاندانی بڑے پیسے والے بڑے ان کے ظلم کا شکار ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تھے, لیکن جب کوئی مکے سے مدینے آتا تھا تو حضور پوچھتے تھے وہ والا جیسے ہم لوگ گاؤں سے کوئی آ جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ فلاں انگلش ادا ہے کہ نہیں, وہ جب فلاں جگہ تو وہ کنواں تھا وہ ہے کہ ختم ہو گیا بہت دنوں بعد وہ تم والا کوئی مل گیا, ہم بھی یہ سب کرتے ہیں, تو ایک ایک جگہ وہ پوچھتے تھے وہ چبوترا ہے کہ نہیں, وہ مثلا درخت ہے کہ نہیں, حضور اس طرح پوچھتے تھے. تو وطن انسان کی وطن سے محبت انسان کی فطرت میں ہے اور فطرت کو انسان کی چھینا نہیں جا سکتا, وقتی طور پر گمراہ کر کے بدلا جا سکتا ہے, غبار ڈال کے اسے بگاڑا جا سکتا ہے, اس سے چھینا نہیں جا سکتا. اگر کچھ نہ سمجھ کچھ ایسا کر کے دکھائی دیں جو وطن کی محبت کے خلاف ہو تو سمجھ لیجیے کہ ان پر مٹی پڑ گئی ہے, اور مٹی ہٹا دی جائے گی تو پھر سے وطن کی محبت اجاگر ہو جائے گی. جمہوریت کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ یہ کانسٹیٹیوشن بنتا ہے. جمہوریت کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, مولانا نوور صاحب بہت علمی بات کی ہے کہ یونانی لفظ ہے بظاہر ڈیمو پبلک لوگ انسان کریسی حکومت, ڈیموکریسی یعنی انسانوں کی حکومت, کسی ایک آدمی کی حکومت نہیں انسانوں کی حکومت. کلام لنکن کا جملہ ہے جو بیس علموں میں دہرایا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل, انسانوں کے ذریعے حکومت, انسانوں کی حکومت پبلک کی عوام کی, اور انسانوں اور پبلک اور عوام کے لیے کسی ایک خاندان کسی ایک فیملی کسی ایک عہدے کے لیے نہیں. جمہوریت ذریعے جو حکومت قائم ہوتی ہے جو عوامی حکومت کہلاتی ہے اس میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا جو ہمارا کروڑوں کی آبادی کا جو ہمارا ملک ہے عرب سے اوپر چلا گیا ہے دوسرے ملکوں سے چھوٹے ہیں, سب کا نہ علم برابر ہوتا ہے نہ سمجھ برابر ہوتی ہے نہ تجربہ برابر ہوتا ہے نہ شعور برابر ہوتا ہے, اسی لیے ہر ملک میں عوام کی حکومت قائم کی جاتی ہے مگر کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن کون بناتا ہے؟ ان کے بیچ سے جو سب سے زیادہ صاحب علم ملے, جو زیادہ تجربے کار ہوں, جو زیادہ اپنی قوم کے مخلص ہوں, جو ان کو ڈھونڈا جاتا ہے اور کانسٹیٹیوشن ان سے بنا کے پھر ابھی آپ نے سنا کہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنی, پھر اسے کانسٹیٹیوشن آیا, پھر وہ پارلیمنٹ میں آئی اور وہاں سے منظوری ملی تب نافذ ہوئی. تو کانسٹیٹیوشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو عوام کی حکومت, لیکن جیسے بچہ اپنا نفع نقصان نہیں جانتا اسی طرح سے عام لوگ اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے. کانسٹیٹیوشن اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ حکومت بدلتی رہے پارٹیاں بدلتی رہیں, لیکن عوام کے لیے مخلص لوگوں نے تجربے
गिरफ्तार लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, ईमानदार लोगों ने सिस्टम बनाया था, उसकी हिफाजत की जाए। जमहूरियत का मतलब यही है, हुकूमतें बदलें, पार्टियां बदलें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की जाती रहना चाहिए। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें और इस मुल्क की इस तहजीब को, जिसे हम गंगा जमनी कहते हैं, इस तहजीब की हम सब मिल के हिफाजत करें। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने वतन से फितरत में मोहब्बत मिली है। ज़ाती वाक़ियात कहने का वक्त नहीं, लेकिन कहना चाहता हूँ पैगाम देने के लिए, अमेरिका जाना कल भी ख्वाब था, आज भी ख्वाब है। मैं 89 में पहली मरतबा माह मुबारक रमजान में बुलाया गया था मौलवी के तौर पर। पूरे मुल्क में उस वक्त जो इंडियन थे उनके बीच में कोई इंडियन आलिम नहीं था। मुझे वहाँ ऑफर की गई, आप रहें, आपको पासपोर्ट एक साल के अंदर मिल जाएगा। मैंने कहा मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि मैं उस जगह रहता हूँ जहाँ मैं जब रास्ता नहीं पूछता हूँ एक आदमी से, तो चार लोग बताने आने लगते हैं और दो लोग मुझे घर तक पहुँचा देते हैं। ये मैंने यहाँ नहीं देखा। मैं उसे उस वतन को नहीं छोड़ूंगा जहाँ रास्ता बताते वक्त उससे कोई नहीं पूछता कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, और मुझे पैसा दे के कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो, अपने इलाके पिला देता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे जिन्होंने हम तक इंसानियत पहुंचाई है, पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुल्म हुआ, हमारे दसवें इमाम सिर्फ 40 साल की एज में वो जहर से शहीद किए गए। किसने शहीद किया? जो उस वक्त हुकूमत के मालिक थे, जुल्म के जरिए, इस्तेदार के जरिए जो हुकूमत चलाई जा रही थी, उस जुल्म की हुकूमत के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए और मजलूमों के मैं करते हुए पूरी नस्ल की शहीद हुई है। उन्हीं शहदा में दसवें इमाम भी हैं, उन्हीं शहदा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिनसे महात्मा गांधी ने अहिंसा का दर्स लेके इनकलाब आज़ादी हिंदुस्तान में कामयाबी हासिल की थी। उसी अहिंसा को हम सब बाकी रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क जैसे अब तक आगे बढ़ा है आगे बढ़ता रहेगा और कामयाबी की मंजिलें भी तय करता रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान बाइंदाबाद, जय हिंद। इनके दो शेयर और लोड कर लें। जिंदाबाद, यौम-ए-जमहूरिया जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद।
गणतंत्र दिवस जिंदाबाद।